हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभवी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक DIY का नया वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम सीखने वाले हैं इयररिंग्स का स्टैंड कैसे बनाते हैं। तो हम इसमें घर पे आसानी से इयररिंग्स का स्टैंड बनाना सीखेंगे और उसमें आप बहुत सारी इयररिंग्स रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इयररिंग्स का स्टैंड बनाने के लिए आपको ये एक वेफर का डब्बा लिया है मैंने। आप इसकी जगह पे कुछ भी ले सकते हो, आपके पास ऐसा कोई बॉक्स है तो। और फिर मैंने यहाँ पे दो कलर के पेपर लिए हैं, आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप वो ले सकते हो। मैंने रेड एंड वाइट लिया है। फिर आपको सीजर चाहिए, फेविकोल चाहिए, स्केल चाहिए और एक पेन, और ये डॉटिंग टूल का यूज़ अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अभी कि इसको कैसे करना है। तो अभी हम सबसे पहले रेड पेपर लेंगे। अभी रेड पेपर को हम इस पे रख के इसका ऐसे माप ले लेंगे और फिर उसे हमको कट करना है। तो उसके लिए हम स्केल का यूज़ करेंगे। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, अब हम इसको अच्छे से काट लेंगे। और फिर आपको फेविकोल की मदद से इसको चिपका लेना है। तो आप यहाँ पे अच्छे से ऐसे फेविकोल लगा दीजिए पेपर पे और फिर हम इसको चिपकाएंगे। तो देखिए आपको ऐसे अच्छे से चिपका देना है और इसको ढक्कन बंद करने के लिए ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि वो ढक्कन अच्छे से बंद हो जाए। उसकी एज को अच्छे से चिपकाने के लिए मैंने थोड़ा और फेविकोल लगा दिया है इधर, और फिर इसको हम ऐसे प्रेस करके 2 मिनट तक ऐसे पकड़ के रखेंगे ताकि वो फेविकोल सूख जाए और वो अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए इसको ऐसे थोड़ी देर ऐसे पकड़ के रखना ताकि वो अच्छे से चिपक जाएगा। और फिर हमको ऐसे राउंड ड्रॉ करने हैं। तो मैंने ये फेविकोल का ढक्कन यूज कर लिया है, उसको मैं पेन की मदद से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ ताकि हमें ऐसे एकदम राउंड कट कर सके। आपके पास कुछ भी और है राउंड के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो। अभी इस राउंड को हमें अच्छे से कट कर लेना है। तो देखिए ये अच्छे से राउंड कट हो गया है। अब हम ऐसे ही बहुत सारे राउंड कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये बहुत सारे राउंड ऐसे कट कर लिए हैं। अब हम इसको फेविकोल की मदद से इसमें चिपका देंगे। आपको ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस में इसको ऐसे चिपका देना है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से ऐसे चिपका दिया है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम चिपका सकते हो, आपको जो डिज़ाइन अच्छी लगती है वैसे चिपका सकते हो। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये डॉटिंग टूल का यूज़ करके हम अच्छे से होल बना सकते हैं इसमें। तो आप देख सकते हो ये इजीली हो सकता है ऐसे। पर अगर आपके पास ये डॉटिंग टूल नहीं है तो आप सोई और पेन की मदद से भी कर सकते हो।
तो देखिए मैंने ये हॉल सारे बना दिए हैं। अभी मैंने मेरे पास जैसी इयररिंग्स थी उस टाइप से बनाए हैं। आपके पास अगर छोटी छोटी इयररिंग्स है तो आप वैसे बना सकते हो, और अगर बड़ी इयररिंग्स है तो ज़्यादा जगह छोड़ के बना सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसमें इयररिंग्स को कैसे रखेंगे। तो देखिए अब मैं ये हॉल में इयररिंग्स लगा रही हूँ, और आपको इसी तरीके से सारी इयररिंग्स लगा देनी है, और इसको निकालना भी बहुत आसान है। मैं ऐसे सारी इयररिंग्स लगा देती हूँ। आप अपने हिसाब से ऐसे आपकी इयररिंग्स लगा सकते हो, आपके पास छोटी बड़ी जो भी इयररिंग्स है उसको ऐसे आप लगा सकते हो। आप देख सकते हो हमने सारी इयररिंग्स लगा दी है, और ये कितना बढ़िया लग रहा है। आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो और उसको रेगुलर यूज भी कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताना अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and hit the bell icon for the new updates. See you soon. Bye-bye.